Vayam Prabha, Digital India, Educated India. नमस्कार आज के हमारे इस जापानी भाषा एक परिचय के लेक्चर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हार्दिक अभिनंदन आप में से बहुत लोग हैं जो आज पहली बार इस लेक्चर में आए होंगे देख रहे हैं इसको तो आप लोगों का भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है और आपको ये बता दें कि अपने दो तीन पिछले लेक्चर्स में हम लोग के ओ शी कर रहे हैं यानी कि एडजेक्टिव्स विशेषण कर रहे हैं तो जापानी में कितने प्रकार के विशेषण होते हैं उनका कैसे कॉन्जुगेशन होता है किस प्रकार से उनका प्रयोग किया जाता है ये सब हम लोगों ने आज किया है अभी इससे पहले हमारे जो लेक्चर्स हुए हैं उसमें आपने ये देखा है कि नाउन को कैसे जोड़ा जाता है दो नाउन्स को जोड़ करके कैसे वाक्य बनाया जाता है तो आज हम लोग एडजेक्टिव्स को कैसे जोड़ते हैं विशेषण को कैसे जोड़ते हैं इसको देख करके ध्यान में रख करके ये करेंगे और दूसरा ये करेंगे कि हमने पिछले क्लास में अपने ना एडजेक्टिव्स का नेगेटिव किया है कि उसको जब हम कोई चीज़ सुंदर नहीं है या कोई चीज़ शांत नहीं है जब हम नेगेटिव बनाते हैं तो वो कैसे बनाते हैं आज हम लोग आई एडजेक्टिव्स का नेगेटिव करेंगे सबसे पहले और फिर देखेंगे कि हमारे कायवा में क्या है और उससे हम लोग आगे बढ़ेंगे तो आइए देखते हैं सबसे पहले कि हमारे पास क्या है टोक्योवा ओकी कुते किरे ना माचीदेस तो ये हमारा लेसन है और ये लेसन नंबर ट्वेंटी सिक्स है तो जैसा कि हमने आपसे कहा था सबसे पहले हम लोग आई एडजेक्टिव का नेगेटिव करेंगे तो देखिए छोटा सा एक ये कायवा है अरेवा नान दस्का अरेवा जितेन्शा नो कोजोदेस कोजो, कोजो फैक्ट्री को कहते हैं अरेवा जितेन्शा यानी कि साइकिल की, की फैक्ट्री है कोजो वा ओकी की देसका यानी कि कोजो बड़ी है क्या ई ओकी ओ अरिमासेन, को अरिमा सेन चीसाई कोजोदेस चीसाई आपने किया है यानी कि छोटी सी फैक्ट्री है ये चीज अभी हम लोग करते हैं देखिए ये जापानी में है आपके लिए ओकी आपने किया है गायगा अगर आपको शब्द याद हो तो उसमें ये कांजी का प्रयोग किया जाता है तो ओ की को अरी मासेन अब देखिए ये बनता कैसे है तो अभी तक आपने जो आई एडजेक्टिव्स किए हैं वो हैं यासुई ताकाई नागाई, ओकी, की ची साई और भी बहुत सारे हैं इसमें आप ये देख रहे हैं कि सब में अंत में आई है इसीलिए इनको आई ऑब्जेक्टिव कहते हैं आपको दोबारा से याद दिला दें तो अब इसको हम नेगेटिव कैसे बनाएंगे हम इसका नेगेटिव बनाना चाह रहे हैं कि यासुई यानी कि सस्ता नहीं है तो इसमें हमें क्या ऐड करना पड़ेगा हमें ऐड करना पड़ेगा कु अरी मा सेन तो अब ये कु अरिमा सेन हम कहाँ ऐड करेंगे हम ये आई हटा देंगे यहाँ से सबका और देखिए बहुत जल्दी से बन जाएगा यासुक अरिमा सैन ताकाकु अरिमा नागा कु अरिमा सेन ओ की कुरिमा सेन और ची कु अरिमासेन तो इससे ये नेगेटिव बन जाता है हर आ, आई एडजेक्टिव के लिए ये आई एडजेक्टिव के लिए है ये ध्यान में रखिएगा और एक और चीज़ ध्यान में रखने वाली है कि अरिमासेन का छोटा फॉर्म जो है या बेस फॉर्म या प्लेन फॉर्म जो वर्ब का है वो है नेगेटिव में नाई ठीक है तो आगे आप देखेंगे काफ़ी जगह हम लोग या नाई का प्रयोग कर रहे हैं पूरा अरिमासेन का प्रयोग नहीं कर रहे हैं तो ये ध्यान रखिए बहुत ही आसान है ये देखिए एक और आप आ, आई एडजेक्टिव कर सकते हैं हीरोई तो इसको अब आप कैसे बदलेंगे इसका आई हटाएंगे और क्या लगाएंगे यहाँ पे कु नाई हीरो नाई हीरोई ही माने बहुत फैला हुआ बहुत स्पेशियस जहाँ पर बहुत जगह हो और अगर हम ये कर देते हैं तो हीरो को नाई यानी कि बहुत फैला हुआ नहीं है बहुत छोटी सी जगह है अब आप इसका अभ्यास भी कर सकते हैं शो सेत्सु ओमोशिरोई देश का ये देखिए अब बहुत दुखी से हैं बेचारे शो सेत्सु यानी कि उपन्यास कोई कोई वा व देश का ओमो नाई दस ओमोशिरोई और ये हटा दिया और कुनाई लगा दिया ओमो शिरोक् देस एक और आपके लिए प्रैक्टिस है एम्पित्सुआ नागाई दस का अब देखिए नगाई है कि चीसाई है तो अगर हम इस एम्पित्सु की बात कर रहे हैं तो एम्पित्सुआ नागाकु नाई देस नागा दस यही ई हटा करके और नागा को नाईदस कर दिया अगर ये एमपित्सू की बात कर रहे हैं तो एमपित्सु व का तो क्या जवाब होगा बताइए हाई एम पित्सु नागा कुछ और भी है आपके लिए देखिए ये क्या है ये एक सज्जन है जो बैग पकड़े हुए हैं एक तो खबान डेस का ओमोई माने भारी ओमोकुनाई देस अगर ओमोई होता तो ये तनाका का जो है इतनी आसानी से उसको नहीं पकड़ रहे होते और उनकी शक्ल भी बनी होती थोड़ी कि बहुत भारी है तो ओमोकू नाई दिस एक और है देखिए इन्होंने खाना खाया मुंह इनका बना हुआ है कुछ तो गोहान व ओइशी दिस का ओइशी माने स्वादिष्ट ओइशी को नाई दिस ओशी कु नाई क्योंकि इनका मुंह बना हुआ है तो इन्हें कुछ अच्छा नहीं लगा है इस प्रकार से आप साधारण जो आई एडजेक्टिव है उसका ई हटा करके और कुनाई लगा सकते हैं और नेगेटिव बना सकते हैं उसका अब देखिए आपके पास बहुत सारे आई एडजेक्टिव हैं। ओमोशिरोई, आप हमारे बाद एक बार उसका उच्चारण कर सकते हैं प्रैक्टिस करिए उसकी

ओसोकुनाई ओसोई मने देर से कोई काम करना अकाई आकाकुनाई, कुराई, कुराकुनाई, तो ये आपने सब मीनिंग्स आपको याद हैं इसके ऐसा हम उम्मीद करते हैं और अब आप इसका नेगेटिव भी याद कर लीजिए वाक्य बनाइए इनसे नेगेटिव में और जोर से उसका उच्चारण करिए देखिए आपको जल्दी से याद हो जाएगा तो ये तो थे

サンライズ公園はどうですかその公園は広いけど、静かではありません。そうですね。じゃあ、セントラルパークはどうですかああ、セントラルパークはいいですね。静かで綺麗な場所です。どこで会いましょうか駅の入り口の前は大丈夫ですかはい、わかりました。それでは、明日8時に会いましょう。 हाई जय मश्ता हाय तो अभी आपने कायवा सुना दो जनों के बीच का कायवा है मीरा तो राव सान तो रावसान नो कायवा दस यानी कि दो जनों का कायवा है तो एक बार आपको पढ़ के सुना देते हैं रावसान आश्ता पिकनिक ए इकीमा शो का आपने किया है इकीमा शो चलें चले क्या ई रसने ये तो बहुत अच्छी बात है दो को ए ही का कहाँ जाएंगे ही रोकते खिरे न थ्रो तो एक ही मशो तो ये चीज़ हम लोग अभी आज करेंगे फिर सो दसने सो दसने का अर्थ है कि जो आप कह रहे हैं जो यहाँ पे कहा गया है जो ये बात कही गई है वैसा ही बिल्कुल सही है जो आप कह रहे हैं जो आप बता रहे हैं वो सही है सो दस ने यानी कि मैं आपसे सहमत हूँ सनराइज को वा दो दस् का सनराइज एक पार्क का नाम है कोयन माने पार्क आपने दो दस का पिछले ही अपने चैप्टर में किया है यानी कि कैसा रहेगा क्या सोचते हैं आप इसके बारे में तो सोनो दो हिरोई माने अभी आपको बताया है बहुत बड़ा फैला हुआ के दो ये एक कंजंक्शन है इनफॉर्मल समुच्च बोधक है ये और ये सेंटेंस को जोड़ने में मदद करता है लेकिन बहुत ही इनफॉर्मल है और हिंदी में इसका अर्थ है लेकिन यानी कि जो भी यहाँ कहा गया है उससे जो केदो के बाद आएगा वो थोड़ा सा अलग होगा हो सकता है उसके विपरीत भी हो बिल्कुल तो सोनोकोइन व हीरो रोई है बड़ा है लेकिन शिजुका देवा अरिमा सेन शांत जगह नहीं है बहुत हल्ला गुल्ला वहाँ होता है शिजुका मने शांत सोरेवा सोद ने अभी आपने देखिए किया है तो सोरेवा ये जो आप बात कह रहे हैं सोरेवा जो आपने अभी बात कही वो बात तो आपकी सही है मैं आपसे सहमत हूँ जा अगर ऐसा है तो अगर वो शांत जगह नहीं है तो यदि जा का अर्थ है यदि ऐसा है तो अंग्रेजी में कहेंगे इन दैट केस तो जा जो है बहुत ही इनफॉर्मल है अपने उम्र के बराबर के लोगों के साथ जा प्रयोग किया जाता है बड़ों के साथ बिल्कुल भी जा नहीं प्रयोग किया जाता है फॉर्मल सिचुएशन में नहीं इसको यूज़ किया जाता है जा इनफॉर्मल है तो जा सेंट्रल पार्क व दो देश का अब दूसरे पार्क की बात हो रही है सेंट्रल पार्क के बारे में आप क्या सोचते हैं कैसा रहेगा आ सेंट्रल पार्क व ई देश ने तो सेंट्रल पार्क तो ठीक रहेगा शिजुका दे किरेना बशो देश बशो मने जगह तो शिजुका दे शांत और किरे है दो को दे आई मशोक का अब ये पार्टिकल दे अभी आपने किया है जब प्लेस के साथ दे आता है प्लेस प्लस दे आता है तो वहां पर कोई एक्शन होता है यह आपको बताया गया है यहाँ पे आईमा शो को हम एक्शन मान लेते हैं और दो को दे आईमा शो का किस जगह पर मिले हम लोग एक ही नो इरीगुची नो माएवा दुदेस का एक ही यानी कि स्टेशन रेलवे स्टेशन का इरीगुची यानी कि उसका एंट्रेंस प्रवेश द्वार जो है नोमाएवा उसके सामने क्या ठीक रहेगा दाई जो भी एक ना एडजेक्टिव है और इसका अर्थ है ठीक रहेगा क्या तो रावसान कहते हैं वाकारी माश्ता मुझे समझ में आ गया ये एक वर्ब है और अर्थ है इसका हाँ मुझको समझ में आ गया आई हैव understood अंग्रेजी में इसको ऐसे कहेंगे सुरे देवा आस्था हाची जी नी आई मशो। तो इस सब के बाद जब ये डिसाइड हो गया कहाँ मिलना है क्या करना है कहाँ जाना है तो मीरासान कहती हैं अच्छा ठीक है अब ये सब तो डिसाइड हो गया है सुर देवा कि ठीक है फिर तो ठीक है अच्छा तो फिर इन तीनों में से कोई भी एक सुरे देवा आस्था हाची जी नी आई मशो तो फिर हम लोग कल आठ बजे मिलते हैं तो रावसान कहते हैं हाँ ठीक है हम लोग आठ बजे मिलते हैं और उनका कायवा ख़त्म हो जाता है तो आज हमारे कायवा में सबसे जरूरी जो बात है वो ये है कि ना एडजेक्टिव्स और आई एडजेक्टिव्स को जोड़ करके कैसे वाक्य बनाए जाते हैं ये आपका फिर से स्क्रिप्ट में है इसको देख लीजिए लिखने की प्रैक्टिस करिए पढ़ने की प्रैक्टिस करिए तो सबसे पहले है आई प्लस आई और आई प्लस ना एडजेक्टिव्स को जोड़ना आपने अभी तक नाउन प्लस नाउन किया है नाउन वन प्लस नाउन टू यानी कि राम तो लक्ष्मण वा आश्ता गक्को ए मास तो ये आपने पहले किया हुआ है आज हम लोग करेंगे आई एडजेक्टिव आई एडजेक्टिव और आई एडजेक्टिव्स ना एडजेक्टिव्स को सबसे पहले जोड़ने का काम तो देखिए वा तो वा हिरोई देस। तो, वा ओकी देस। तो ये दो वाक्य आपको दिख रहे हैं इसमें हिरोई है एक और ओकी है एक तो इनको जोड़ करके हम इन दो वाक्यों को एक में कर देंगे कैसे करेंगे थोक्योवारोक्ते तो ओकी okay रेस तो अब ये आई एडजेक्टिव है और ये भी आई एडजेक्टिव है इन दोनों को हमने जोड़ा और पहला जो आई एडजेक्टिव है उसमें कुत्ते लगाया देखिए आई हटा करके और कुत्ते लगा दिया और ओकी को वैसा का वैसा ही रहने दिया तो आई एडजेक्टिव प्लस आई एडजेक्टिव जब हम जोड़ते हैं तो पहला वाला जो एडजेक्टिव है उसमें कुत्ते लगाते हैं एडजेक्टिव प्लस कुत्ते और दूसरा वाला जो है उसको वैसा का वैसा ही एडजेक्टिव रहने देते हैं उसको नहीं छेड़ते हैं हम अब देखिए दूसरा आपके पास एक एग्जाम्पल है रिंगो है अमाई ओइशी अमक ओइशी तो रिंगो वा अमाकुते ओइशी देस ये दोनों आई एब्जेक्टिव्स हैं देखिए अमाई और ओइशी इनको जब जोड़ा गया तो पहला वाला हटा दिया और कुते लगा दिया दूसरा क्या है मांगा या सुई ओमो तो उसी प्रकार से ई हटाया यहाँ से और कुते लगा दिया या सुकुते ओमोशिरोई ये वैसा का वैसा ही रख दिया तो पहला आई एडजेक्टिव जो है वो बदलता है और दूसरा वैसा का वैसा ही रहता है खुरमा चीसाई बेनरी बेनरी है कन्वीनियंट सुविधाजनक चीसाई यानी कि छोटी तो फिर से ई हटाया और कुते लगा दिया और बेनरी को वैसा का वैसा ही रख लिया सो ये ध्यान रखिएगा आई प्लस आई एडजेक्टिव में पहले वाले में कुत्ते लगाते हैं और दूसरा वाला वैसा का वैसा ही एडजेक्टिव रख दिया जाता है अब आप इसका रेंश्यू कर सकते हैं प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने मित्र के साथ वाक्य बना सकते हैं मांगावा या ओमोशिरोई यानी कि इंटरेस्टिंग मज़ेदार है कुरमावा चीसा कुत्ते बेन मतलब चीसाई है और बहुत सुविधाजनक भी है पार्किंग में बहुत आसानी रहती है कहीं पर भी मुड़ जाती है तो इसलिए बेनरी है अब देखिए आई और ना एडजेक्टिव है पहले आई आई किया था अब आई और ना है तो रिंगो अमाई होया 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 माने फ्रेश आपको ये तस्वीर दिख रही है बहुत ही फ्रेश एप्पल्स दिख रहे हैं सो रिंगो वमा कुते होया होया देश तो आप फिर ये देखेंगे कि ई को काट देते हैं और कुत्ते लगा देते हैं यहाँ पे तो आई प्लस ना इसमें भी पहला वाला ही बदलता है और दूसरा वाला वैसा का वैसा ही रहता है बोशी टोपी या सुई स्तिकी यानी कि स्टाइलिश या सुई मने चीप तो आपको ये सुंदर सी एक टोपी दिख रही है बोशीवा, बो यासु कुते स्टेकी सुते फिर आपको दिखेगा कि ई एडजेक्टिव में ये ई को काट दिया गया है और कुत्ते लगा दिया गया है स्टेकी वैसा का वैसा ही है और इसी प्रकार से शो सेट्स यानी कि नॉवल या सुई तो क्या करेंगे इसमें या सुकुते ओमो शिरोन सबको यूज़ करके आप वाक्य बनाइए सवाल पूछिए अपने मित्र से और उनसे जवाब मांगिए अब देखिए अभी तक आपने आई एडजेक्टिव्स के साथ किया था अब ना एडजेक्टिव्स के साथ भी करके देखते हैं कि क्या है किस प्रकार से ये थोड़ा सा अलग हैं तो अगर आपको याद होगा कि ना एडजेक्टिव्स जो हैं ज़्यादातर फॉरेन वर्ड्स हैं यानी कि चीनी शब्द हैं और अब जो बाहर के और विदेशी भाषाओं से शब्द लिए गए हैं जापानी भाषा में वो भी ना एडजेक्टिव्स के अंदर आते हैं तो ये देखिए यहाँ पर ना प्लस ना मारिकोवा शिन शिनसेत्सु शिन आपने किया है पिछली क्लास में अपने बहुत काइंड हैं वो मारिकोवा किरेई दिस यानी कि बहुत सुंदर है तो इनको दोनों को अब हम कैसे जोड़ेंगे इसका थोड़ा सा तरीका अलग है कुते नहीं होगा क्योंकि वो आई एडजेक्टिव है तो इसको कैसे जोड़ेंगे देखिए दे ओ तो फिर आप देखेंगे कि ना प्लस ना में पहला वाला जो एडजेक्टिव है उसके बाद दे लगाया जाता है दे लगता है और दूसरा वाला वैसा का वैसा ही रहता है ओतोसान वा गेंकी दे शिंसेत्स देस खनाई वा तेने दे शिजुका देस तोमोदाची वा रिप्पा दे तेने देस तेने इज वेरी वेरी पोलाइट विनम्र सभ्य तो तोमोदाची आपके दोस्त हुए रिप्पा बहुत ही जिनका स्टेचर जो है बहुत बड़ा होता है कोई चीज बहुत आपको देखने में भव्य लगती है वो रिप्पा होती है व्यक्ति भी रिप्पा होता है तो ताजमहल वा रिप्पा ना ताते मोनोदेस गांधी जी वा रिप्पा ना कातादेस तो इस तरीके से आप प्रयोग कर सकते हैं इसका तो क्यो। किरे और निंगिया का यानी कि जो शोरगुल अच्छा लगे बुरा न लगे कर्कश न हो वो निंगिया का होता है लाइवली होता है खुश जहाँ पे माहौल होता है वो निंगिया का कहलाता है जहाँ पे बहुत एनर्जी अच्छी होती है वो निंगिया का कहलाता है तो तो क्यों खिरे दे निंगिया का देस इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि ना एडजेक्टिव के बाद पार्टिकल दे का प्रयोग किया जाता है और बाकी जो दूसरा वाला एडजेक्टिव है वो वैसा का वैसा ही रहता है अब आपने ये भी किया है कि ना एडजेक्टिव के बाद आप नाउन लगाइए ये आप पहले कर चुके हैं आपके खाली रेंशियो के लिए है कनाइवा शिजुका देना हितोदे तो यहां पे आप सब के बाद जो है नाउन लगा सकते हैं जैसे कि तो वा खिरे दिंग का ना माची देस और वो बिल्कुल इस तरीके से आप अभ्यास कर सकते हैं अब देखिए गेंकी और उरेशी तो इसको आप कैसे बनाएंगे बताइए ये सज्जन उठे हैं खुश हैं तो गेंकी दे उरेशी देस फिर सवाल मिला है सोच रहे हैं तो कांतान ओमोशिरोई। अगर इनसे पूछा जाएगा तो अरा कांतान दिस यानी कि बहुत आसान है मोन दाइवा कांतान दिस तो मोन्दाइवा कांतान दे ओमोशिरोई मोशीरोई मतलब इनको मैथ्स जो है बहुत अच्छी लगती है गणित बहुत अच्छा लगता है और इनको प्रॉब्लम्स करना मजा आता है कांतांदे तान दे वो मज़ेदार बहुत दिमाग में सोचने वाली आपकी एक मोंदाई है प्रॉब्लम है प्रश्न है तो वो बहुत खुश हैं इस बात से फिर शिंकानसेन हयाई बेनरी इतनी जल्दी ट्रैवल करती है समय कम लगता है तो बेनरी है इसलिए शींकान वा वयाकुते बेनरी दिस हया, हया क्यों लिखा है क्योंकि यहाँ पे आई एडजेक्टिव है तो जब आई एडजेक्टिव पहले आता है तो कुते लगता है और जब ना एडजेक्टिव पहले आता है तो दे लगता है आई के साथ कुते और ना के साथ दे लगता है ये ध्यान रखिएगा गेंकी किरे। अब बताइए क्या होगा ये ये ओयो हैं इनकी अभी शादी हुई है खुश हैं तो गें रे ना और नानो हितो हितोद अब देखिए ये ना आ गया यहाँ पे क्योंकि नाउन है तो गेंकी देना गेंो दे में सांद ब्राइड को दुल्हन को ओयो में कहते हैं तो ओयो में सान देस। ये सज्जन घूम रहे हैं खुश हैं तो हीरोई शिजुका क्या बनेगा इसका हिरोकते शिजुकाना बाशोदेस बाशोदस यानि कि बहुत ही हिरोई है बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ है और शांत बाशो माने जगह है एक और आपके लिए तस्वीर है बताइए ये क्या है बच्चा बहुत खुश है मज़े से खेल रहा है तो गेंकी ना कोदेस गेंकी ना कोदोमो को माने को बच्चा और कोदोमो गेंकी दैस इन दोनों में फ़र्क क्या है ये बताइए क्या फ़र्क है इसमें गेंकी ना कोदेस ये जो बच्चा है अगर इस बच्चे की बात करें तो ये बहुत ही स्वस्थ और खुश बच्चा है गेंकी है ये इसका स्वास्थ्य ठीक है खुश है खेल रहा है अपने आप से प्रसन्न है और कोदोमो गेंकी दस यानी कि कोई भी बच्चा जो है वो स्वस्थ है खुश है तो ये एक स्पेसिफिक बच्चे के लिए है और ये किसी भी बच्चे के लिए है गेंकी ना कोदेस, ये बच्चा जो है बहुत गेंकी है इन गुड हेल्थ है और कोदोमोवा देस, कोई भी बच्चा जिसके बारे में हम बात कर सकते हैं या कर रहे हैं आपके लेसन में सोरे देवा आया था तो ये आपको बता दें कि ये एक एक्सप्रेशन है आपको उस समय भी बताया था इस शब्द की कांजी भी है लेकिन ज़्यादातर ये जो है ये हीरा गाना में ही लिखा जाता है सोरे देवा और देखिए मीनिंग लिखा है यदि ऐसा है तो जो आप कह रहे हैं जिस बारे में आप बात कर रहे हैं यदि ऐसा है तो या तो फिर जब सारी बात हो गई सोरे देवा तो फिर या अच्छा ठीक है जो आप कह रहे हैं वैसा ही करते हैं सोरे देवा सब बात हो गई उसके बाद सूर्य देवा खत्म होने के बाद तो देखिए इसके वाक्य कैसे हैं सूर्य देवा मीना शान शो सारी बात हो गई खत्म हो गई डिसाइड हो गया कहाँ जाना है विचार हो गया पूरा अंत में सुरे देवा मीना सान। तो फिर अब मीना शान शो का चलें क्या इस प्रकार से इसका प्रयोग किया जाता है सूर्य देवा को चिरानो खाता हुआ तो सारे इंट्रोडक्शन हो रहे हैं सब एक दूसरे से मिल रहे हैं अपना नाम बता रहे हैं तब कोई जना कहता है सोरे देवा अच्छा अब आपको बता दें कि कोचिरा नोखाता ये जो सज्जन यहाँ खड़े हैं वो जो भी उनका नाम है या जो भी उनका ओहदा है वो हैं सोरे देवा वाता शिवा तो कोई जना खा रहा है या कुछ काम कर रहा है या कोई बात कर रहा है तो उस समय जब वो चीज़ ख़त्म हो जाती है तब सूर्य देवा अब इसके बाद वाता शिवा केक्को मेरे लिए इतना बहुत है इसके बाद मेरे लिए बस अब और नहीं तो सूर्य देवा का इस प्रकार से प्रयोग किया जाता है और भी बहुत तरीके हैं इसका प्रयोग करने का लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिए ये अपने से बड़ों के साथ नहीं प्रयोग में आता है थोड़ा सा रूड लगेगा ये असभ्य लगेगा अगर आप बड़ों के साथ अपने टीचर्स हों या अपने बॉस हों या आपसे उम्र में बड़े हों या फॉर्मल कोई सिचुएशन हो उस समय आप सुरे देवा वाता शिवा इक्की मास अच्छा तो फिर मैं चलता हूँ ऐसा नहीं कहा जाएगा आप प्रॉपर जो उसके लिए एक्सप्रेशन है वो यूज़ करके आप तभी जाएंगे वहाँ से ये चीज़ का ध्यान रखिएगा तो ये आपके लिए बहुत सारे शब्द हैं ये ना एडजेक्टिव्स हैं इनकी लिस्ट है जो रह गए हैं पिछले लेसन से उनको दिया गया है यहाँ पे, आप इनको देख सकते हैं होया होया हिरोई शिजुका तेने, निनसे जोज यू स्की किराए दाईजोब ओजे इरो 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 माने भांति भांति का भिन्न भिन्न तरह तरह के लोग या की वस्तुएं ओजे ज़्यादातर जो है लोगों के लिए प्रयोग में आता है दाइजोबुदेस का ठीक है क्या हाई दाइजोबुदेस ठीक है इस तरीके से जवाब भी दिया जाता है आप ठीक ठाक हैं क्या इस तरीके से भी पूछा जाता है आपके लिए ठीक है ये दाइजोबुदेस का कुछ भी आप मांग रहे हैं पूछ रहे हैं जानना चाहते हैं कोई आपको समझा रहा है तो तब भी पूछ सकता है दाइजोबुदेस्का जैसे अभी हम आपको समझा रहे हैं तो मिनासान दाइजोबुदेस्का वक़ारीमाश्ता का तो उस समय भी दाइजोबू का प्रयोग किया जाता है तो ये कुछ आपके लिए नए एडजेक्टिव्स हैं कुछ नए शब्द हैं इनको भी आप देख लीजिए और इनसे वाक्य बनाइए इनका उच्चारण करिए और एक छोटा सा कायवा करिए अपने मित्र के साथ तो आज हम लोग इस लेसन को यहीं तक रखते हैं इस लेक्चर को और नया कुछ जो आपने आज सीखा है उसको आप अपने घर में जा के अपने मित्र के साथ इसका अभ्यास करिए वाक्य बनाइए इसमें कांजी भी बहुत सारी दी हुई है तो कांजी आज हम लोग नहीं करेंगे आपके पास काफ़ी सामान है घर में जा कर के प्रैक्टिस करने के लिए वो आज करिए इसमें जो छोटी छोटी कांजी हैं जो आसान कांजी हैं वो हम लोग अगले अपने क्लास में करेंगे लेक्चर में करेंगे तब तक के लिए जो आज किया है उसको प्रैक्टिस करिए उससे वाक्य बनाइए और कॉन्वर्सेशन करिए तो अगली बार फिर मिलते हैं नमस्कार धन्यवाद